नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे औरंगजेब का प्रोफाइल अपने प्रोफाइल पे लगाया। उसको लेके महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद फ्रेज का इस्तेमाल किया। इतने बड़े आदमी जो एक एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, खैर उन्होंने ये बात कही, पहले नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर के इनॉग्रेशन में भी औरंगजेब को शिवाजी के साथ जक्स्टापोज किया था। ये स्पेसिफिकली कहा था कि जहां एक तरफ काशी में औरंगजेब आते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनके सामने खड़े होने के लिए शिवाजी आते हैं। तो मतलब मुगल जो मिडिवल इंडिया का जो पीरियड है वो पूरा विलेनी का पीरियड है। 1200 साल की गुलामी, इस फ्रेज पे मोदी जी का कॉपीराइट है एक तरह से। तो इस सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आज कैनेडा से मेरे बहुत पुराने मित्र और सह पत्रकार मणिमुक्त शर्मा, जिन्होंने मुगलों के साथ भी जुड़े हुए क्योंकि इनकी बहुत चर्चित अकबर की बायोग्राफी अल्लाहु अकबर बहुत ही चर्चित किताब रही है, बहुत बेहतरीन है। पार्लियामेंट के डिबेट में भी उस किताब को रेफर किया गया एज अ वेरी ऑथेंटिक नैरेटिव। मनोज झा जी जो राष्ट्रीय जनता दल के MP है, उन्होंने उसको रेफर किया। तो मणिमुक्त, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपके लिए काफी रात हो चुकी है, देर रात में दिन भर का काम खत्म करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंट डिस्प्यूट वाली जो एपिसोड है उस पर। कितना बड़ा गुनाह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही खिलवाड़ करने के लिए, थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया में फैंडम बढ़ाने के लिए, अगर अपना प्रोफाइल में औरंगजेब की तस्वीर लगा दे। कितना सीरियस ये मामला है और क्या ये वारंट करता है कि एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उस मुद्दे को लेके एक तरह से कम्युनल सेंटिमेंट को विप अप करने की कोशिश करे। नहीं, अब जैसे मेरी जो समझ है इंडियन क्रिमिनल लॉज का, उसके मुताबिक तो ये किसी भी एंगल से ये क्राइम तो नहीं बनता है। आप किसी का भी आप फोटो लगा सकते हैं। अगर आप जैसे अर्ली मॉडर्न पीरियड के कोई भी हीरो का आप स्टैचू बनवा रहे हैं, महाराणा प्रताप का आप बना रहे हैं, आप छत्रपति शिवाजी का आप बना रहे हैं, तो उसी तरह अगर कोई अपने प्रोफाइल में मुगल बादशाह का फोटो लगा रहा है तो इसमें गुनाह कहाँ है। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उनकी तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया, ये उनके वकार को जेब नहीं देता है। या बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एक डॉग विस्लिंग और इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आया, उन्होंने तो क्लियरली लिख दिया है इस बात को जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरंगजेब के बारे में लोगों के पास सही मालूमात है। इस सवाल पर डिबेट हो सकती है, लेकिन वो किसी भी इंसान का एक चॉइस है। आप किसी का भी फोटो लगा सकते हैं। मैंने कई बार, मुझे याद है एक टाइम पे मेरा भी प्रोफाइल पिक्चर जो है 2005-06 में जब ऑर्कुट बड़ा मशहूर था, तो मैंने भी औरंगजेब का एक फोटो लगा के रखा हुआ था अपना। सोशल मीडिया का प्री हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग ऑर्कुट। जी बिल्कुल। तो मैंने अपना खुद का अपना फोटो लगाया हुआ था किसी जमाने में औरंगजेब बादशाह का, उस उनके बारे में पढ़ रहा था। या फिर एक मूवी भी आई थी जिसमें अरबाज खान ने औरंगजेब का किरदार अदा किया था, तो उसका भी मैंने एक फोटो लगा के रखा हुआ था। तो लोग जो हैं, लोगों की समझ अलग है। कुछ लोग औरंगजेब को एक बहुत ही जो है एक महान राजा उनको देखते हैं या समझते हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक बिगट है। तो अब अलग अलग समझ है लोगों की, तो उस हिसाब से जो है लोग अपना जो है अपना पक्ष रखते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और स्टेट को खास करके इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नैरेटिव तय करने का काम स्टेट का नहीं है। लेकिन आजकल जो है ये जो है सारे इदारे जो हैं वो अब जाके स्टेट में ही जाके मिल गए हैं, तो अब स्टेट ही हर कोई जो है नैरेटिव तय कर रहा है। तो ये बदकिस्मती है हिंदुस्तानियों के लिए, लेकिन फिर अब इससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, खास करके इस निज़ाम के रहते। तो
स्टेट ने तो ये एक तरह से रेगुलर प्रैक्टिस बना लिए है बार बार बोलने का कि ये सही इतिहास है और उनकी जो नैरेटिव है उसी को वो सही बोलते हैं। आपने अभी बोला कि औरंगजेब के बारे में दो अलग किस्म के विचार हैं। एक मानते हैं कि वो बहुत बिगटेड कैरेक्टर थे और दूसरा जो लोग मानते हैं कि वो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहादुर और हिंदुस्तान के लिए अच्छा करने वाले बादशाह थे। तो एक इतिहासकार के तौर पर आप जरा हमको नेविगेट कराइए कि औरंगजेब के प्लसेस और माइनसेस बहुत ही संक्षेप में जी, आप कैसे औरंगजेब को देखते हैं? जैसे औरंगजेब को देखने के लिए उनके वक्त में जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे हमारी जो आज की समझ है, ये आज की समझ है, ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस है। औरंगजेब एज अ बिगट, औरंगजेब एज अ जस्ट किंग, या फिर एज अ मोनार्क एग्जाम्पलर, ये सारे इंटरप्रिटेशंस मॉडर्न है। हमें ये देखना चाहिए कि औरंगजेब खुद अपने बारे में क्या राय रखते थे, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ किंगशिप क्या था, उनके एम्पायर में क्या कुछ चीजें हो रही थी। तो उनकी शख्सियत में बहुत से अलग अलग पहलू हैं। एक औरंगजेब जो शहंशाह हिंदुस्तान थे, एक औरंगजेब जो खुद को एक अच्छा मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताउम्र, एक औरंगजेब जो मुगलिया अदब व तहजीब के आप कह सकते हैं कि वो अलम बरदार थे, एक औरंगजेब जो नस्ल तैमूर के चश्मे चिराग थे। सो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटीज जो औरंगजेब के पर्सनालिटी में आप देखते हैं मिला हुआ। तो खुद को एक अच्छा बादशाह वो समझते थे, कोशिश कर रहे थे। आखिर में हालांकि उनके जो खतूत हैं उसमें आप देखिएगा, जो रुकात आलमगीरी में उनके उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो रिग्रेट करते हैं कि मैं शायद अच्छा बादशाह नहीं बन पाया, या फिर मेरे राज में जो है, जो मेरी रियाया है उसको शायद बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, या बहुत सारी अच्छी चीजें शायद ना हुई मेरे राज में। तो ये एक एक रिग्रेट भी है उनका, लेकिन पर्सनल और जो उनका एक इम्पीरियल जो आइडेंटिटी था, ये दोनों अलग अलग नहीं थे, बहुत जो है उसमें कॉमन ग्राउंड्स बहुत से थे। और बादशाह खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। औरंगजेब हर वक्त अदालत पे यानी जस्टिस पे उनका फोकस था, उनका जो स्टेट फिलॉसफी था वो जस्टिस पे बना हुआ था। इसीलिए उन्होंने उनको एक लॉ गिवर मोनार्क भी कहते हैं ना, कि जो है फतवा आलमगिरी जो एक पूरा सेट ऑफ कोड एंड एथिक्स उन्हीं के जमाने में तैयार हुआ। औरंगजेब के बाद के जो आप पेंटिंग्स आप देखिएगा उसमें आप पाइएगा कि औरंगजेब बादशाह जो है झुके हुए हैं, बुढ़ापे की जो उनके पेंटिंग्स हैं झुके हुए हैं, उनका हाथ जो है उंगली एक किताब पे है जो शायद कुरान शरीफ है, कि जो है एक लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये होली बुक से आ रहा है, या फिर जो एक पूरा जो पहले क्या होता था कि जस्टिस अदल जो है बादशाह के बॉडी से वो निकलता था, मतलब उनके पर्सन में वो वहां से वो निकलता था। लेकिन औरंगजेब के केस में आप देखिएगा कि बाद में वो कोशिश कर रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, लीगल फ्रेमवर्क हो, जिससे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ और जस्टिस निकले। तो ये सारी चीजें हैं, ये उनके अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर जो उनको विरासत में मिली उसको उन्होंने एक्सपैंड किया, उसके जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उन्होंने एक्सटेंड किए। तो जो आज जो लोग अखंड भारत का जो फैंटेसी जिनके पास है, जो एक मैप भी तैयार किया गया है नया पार्लियामेंट में, आप देखिएगा कि वो दरअसल जो सबसे नजदीक अगर कोई आ पाया था वो औरंगजेब बादशाह बन पाया था जी, जिसमें एक यूनिफॉर्म इंपीरियल आइडेंटिटी आप देखते हैं कि पूरे एम्पायर में कायम थी। तो अगर आप सिर्फ जंग और टेरिटोरियल अचीवमेंट्स या टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट के अगर हवाले से अगर आप बात करें, या फिर आपका अगर हिस्ट्री जो संघ परिवार के लोगों का या फिर उनके हिमायती जो हैं उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट के जरिए है। हिस्ट्री मतलब अच्छा किसने कितनी जंगें लड़ी, कितनी जीती, कितनी हारी, उस हवाले से अगर हम बात करें तो फिर औरंगजेब से बेहतर तो आपके पास कोई एम्परर है ही नहीं, क्योंकि जो है इतना बड़ा एम्पायर उस बंदे ने कायम किया। तो अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वो
उनका जो सिग्निफिकेंस है, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म के कुछ लोग हैं उनको लगता है कि औरंगजेब ने तो दीन की राह पे जो है मुगलिया सल्तनत की जो है वो दोबारा उन्होंने एक फाउंडेशन दिया, जो कि गलत है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा फर्क था उनके और अकबर के एम्पायर में, साइज के वो अगर आप छोड़ दें तो फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। वो भी जो है अपने आप को जो है एक अच्छा बादशाह बनाने की कोशिश कर रहे थे और अकबर भी कर रहे थे। हाँ, अकबर में अलग थी कि बात थी कि वो एक कॉम्प्रोमाइज, वो नेगोशिएशंस, वो चीजें जो है लोगों के साथ अच्छे से वो कर सकते थे। औरंगजेब में शायद वो काबिलियत कम थी उस हिसाब से, तो ये है। लेकिन अदरवाइज एक उनका आप कह सकते हैं कि 49 ईयर्स तक, 49 सालों तक उन्होंने हुकूमत की, एक बहुत बड़ा टाइम होता है। ऐसे बहुत ही कम आपको एग्जांपल्स मिलेंगे दुनिया की तारीख में भी कि किसी बादशाह ने इतने लंबा समय जी, और अपने टाइम में वो पूरी दुनिया में एक किस्म का हिंदुस्तान की सरबुलंदी का एक सिंबल बन चुके थे, पहचान बनाने, हिंदुस्तान की दुनिया में पहचान बनाने में उनकी अदाकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत। आप देखिएगा इंग्लिश प्लेज हैं जॉन ड्राइडन के, औरंगजेब एक उन्होंने लिखा था, आप जाके देखिएगा जर्मनी में, सैक्सनी में जो एक उन्होंने पूरा औरंगजेब का कोर्ट का उन्होंने एक पूरा बना के रखा है, जो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत पैसा लगाया उसमें, वो सारी चीजें क्यों है, हर कोई क्यों आ रहा था उनके एम्पायर में, क्योंकि एक तो पैसा बहुत ज्यादा था मुगल एम्पायर के पास। अगर मुगल एम्पायर का हम कंपैरिजन करते ही हैं तो हमें सफ़ेविड और ऑटोमन एम्पायर के साथ करना चाहिए कि उनके बनिस्बत मुगलों ने जो है क्या खामियां थी उनमें, उनकी क्या खूबियां थी, ये बातें उस हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन फिर छोटे मोटे राजा जो है इंडिया में जो है हम उनके बनिस्बत कंपैरिजन हम करते हैं, उनको खड़ा कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ, तो ये दरअसल हिस्टोरिकल कोई अंडरस्टैंडिंग इससे नहीं पैदा होता है। ये पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं जो आप कभी भी किसी के साथ भी काम कर सकते हैं जी। आप पॉलिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं, दरअसल हम अगर बहुत ठंडे दिमाग से सोचें तो पूरी की पूरी जो संघ परिवार की जो राजनीति है, आज भारतीय जनता पार्टी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर हिंदुस्तान में उभरी है, जिसकी जिसका जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है उसको चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल दिखता है बहुत लोगों को। तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स है इसमें इतिहास का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेट अवे जो मिडिवल पीरियड है हिंदुस्तान की, उसको तो जैसे मैंने कहा कि 1200 साल की गुलामी के तौर पर पेश किया जाता है कि ये वो दौर है जो 9th या 10th सेंचुरी में शुरू होता है और जब तक अंग्रेज नहीं आते तब तक चलता रहता है, और ये वो पीरियड है जब हिंदूज का सब्जुगेशन होता है, उनको बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज को दिखाया जाता है इस समझ को परपेचुएट करने के लिए और एक तरह से मुगलों के प्रति, और जो दिल्ली सल्तनत है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, आप अभी बता रहे थे कि दिल्ली सल्तनत पे आपने काम शुरू किया है, तो उनके प्रति एक तरह से गुस्सा, उनको विलेन के तौर पर, उनको अपने दुश्मन के तौर पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर ये जो गुस्सा है ये इसको ट्रांसफर करते हैं आज के समकालीन हिंदुस्तान में मुसलमानों पर। तो ये पूरा का पूरा है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो कि औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़े। बाबर के बारे में तो पूरी बाबरी मस्जिद, अयोध्या का पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया, एक तरह से रिकन्फिगर हो गया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बाबरी मस्जिद अयोध्या के आंदोलन के चलते। लाइन में अभी काशी और मथुरा बाकी हैं और पता नहीं कितने कितने बाकी हैं, भोजशाला में भी चल रहा है, उधर मैंगलोर के पास में भी कोई इनको मस्जिद मिल गई है जो उनके हिसाब से मंदिर है। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू ही हुआ था तब एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई थी उन मंदिरों की जो तथाकथित उनको तोड़ के मस्जिद या फिर दूसरे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक्यूजेशन है कि इन्होंने जानबूझकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वहां अपनी रिलीजियस हेजेमनी एस्टैब्लिश करने के लिए मस्जिद बनाए, ये कहां तक सही है एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और खास तौर से चूंकि आज हम ऑलरेडी
सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग कोर्ट्स में मथुरा और काशी के बारे में डिस्प्यूट्स देख रहे हैं, जो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये वही रास्ते जाएंगे या नहीं जाएंगे जो अयोध्या में राम मंदिर का जो अल्टीमेटली जाके रिजॉल्व हुआ। नहीं, अब जैसे वो उनका एक स्टेट फिलॉसफी था, अब आप हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मुगल स्टेट था उसका रिलेशनशिप हर कम्युनिटी के साथ अलग अलग वक्त पे अलग अलग रहा है। कुछ हिंदुओं के साथ अच्छा रहा है, कभी कभी जो है अगर कोई आप रेबेलियन में आप देख रहे हैं तो वहां पे फिर जो है स्टेट एक्शन बड़ा हार्श हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट की हिगेमनी जो थी उसको एस्टैब्लिश तो करना ही था। अगर उसकी राह में कोई अगर मंदिर भी आया है, जैसे ये जो दो एग्जांपल्स आपने दिए, एक बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और फिर मथुरा का केशव देव मंदिर, तो वहां पे भी आप देखिएगा कि इसके भी कोई आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। हिस्टोरियंस भी इस बात पे जो है उलझे हुए हैं कि भाई क्यों किया, क्योंकि अलग अलग जो है टेक्स्ट में आपको अलग अलग रीजंस मिल जाएंगे कि शिवाजी जब भागे थे तो आगरा से, तो जिन लोगों ने जो है उनकी मदद की उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था, इस वजह से जो है बनारस का मंदिर गिराया गया 1669 में। 1670 में आप देखिएगा केशव देवा मंदिर जो मथुरा में वो गिराया गया, क्योंकि फिर जाट रिबेलियन हुआ था, उनके जो मुगल गवर्नर थे, गवर्नर नहीं मतलब वहाँ उस प्रोविंस के जो हाकिम थे, तो उनका कत्ल कर दिया गया, तो बदले में जो है वो मंदिर ढा दी गई। अब एक मंदिर बना था अकबर के जमाने में बनारस वाला, राजा मान सिंह के टाइम में बनाया, उन्होंने बनवाया था, और दूसरा मंदिर जो है उनके बाद जहांगीर बादशाह के वक्त में बना। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं कि मुगल पेट्रनेज से बने हुए मंदिर थे तो बाद में तोड़े गए। तो जो पॉलिटिकल रीजन है वो तो साफ दिखता है, लेकिन उस जमाने में पॉलिटिकल रीजनिंग का जो आर्टिकुलेशन इतना नहीं होता है उस जमाने के टेक्स्ट में, क्योंकि हर चीज में रिलीजन को लेके आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर रिलीजन का हवाला दिया जाता है तो फिर इस पे कोई सवाल करेगा ही नहीं। तो कोई जंग हो रहा है तो फिर उसको जिहाद नाम दिया गया है, कोई फौज गई है जिसमें अगर हिंदू कमांडर भी है तब भी रिकॉर्ड्स में लश्कर इस्लाम कहा गया है कि इतने हजार राजपूत थे, उसके बारे में जो है बात नहीं हो रही है। तो हर वक्त हर कैंपेन को हर टेम्पल डिस्ट्रक्शन को रिलीजियस तरीके से जो इसको एक्सप्लेन किया जाता था, वो जैन भी अगर बात कर रहे हैं, वो हिंदू भी अगर बात कर रहे हैं अपने टेक्स्ट में, तो वो एक रिलीजियस एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, रिलीजन के हवाले से ही बातें हो रही हैं। तो मुगल जो अकबर औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने ये दो मंदिरें गिराए और भी एक आध मंदिरें उन्होंने जो है गिराए, रीजंस पॉलिटिकल थे। मंदिर का जो आज का हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें हम जाते हैं लोग वहां पे पूजा अर्चना करके वापस आ जाते हैं, ये भी बड़ा मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है। उस जमाने में मंदिरों में पूरी की पूरी इकोनॉमी एक उसका जो है एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ था कि मंदिर जो है पॉलिटिकल पेट्रनेज भी दे रहे हैं, या कोई रूलर कोई राजा उसको पेट्रनाइज कर रहा है, तो अगर राजा को हटाना है तो उसके मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुओं ने भी किया है, ये मुसलमानों ने भी किया है, टीपू सुल्तान तक ने किया है कि श्रीरंगापट्टनम में एक मंदिर उन्होंने गिरा दी, क्योंकि वो वाडियार फैमिली के साथ लिंक थी। लेकिन जो बाकी दो मंदिर थे जैसे रंगनाथ स्वामी टेम्पल इतना मशहूर है, उसको तो उन्होंने खुद पेट्रनाइज किया। औरंगजेब बादशाह ने भी सेम चीज की कि जो पुराने मंदिर थे उनको बहाल रखा गया, लैंड ग्रांट्स दिए गए, सब कुछ है। तो ये दोनों साइड्स अब निकल के आते हैं कि अल्टीमेटली मुगलों को कभी भी कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती थी, ना जंग लड़ने में ना मंदिर तोड़ने में। उनको लग रहा है कि यहाँ पे बगावत हो रही है, हिंदू मुसलमान दोनों जा रहे हैं एक मंदिर में, तो उनको लग रहा है अच्छा ये तो सही बात नहीं है अगर मुसलमान भी जा रहे हैं तो, क्योंकि आप सैयद खान का आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अच्छा ये ब्राह्मण जो है बनारस में अपने फॉल्स बुक्स पढ़वा रहे थे लोगों को, इसीलिए जो है बादशाह को पता चला। तो जब उन्होंने कहा बादशाह को तब पता चला क्या? बादशाह को तो शुरू से ही पता था सब कुछ हो रहा है, क्यों किया? मुसलमान भी जा रहे हैं वहां पे और लोगों के साथ जो है इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं जो भी है, तो इस वजह से भी जो है स्टेट ने अपना एक्शन लिया। अब आज की मोरालिटी 17वीं या 16वीं सदी में हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी जो है, और ये मंदिर तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन में एक ये काम नहीं किया, ये नॉर्दर्न इंडिया में ही उन्होंने किया जो भी किया।
क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है और मुगलिया फौजें वहां पे गई हैं, पहली बार दाखिल हुए आप कह सकते हैं एक तरह से। वहां पे लोकल जो सेंसिबिलिटीज थी, ऑलरेडी एक इन्वेडिंग फोर्स है, आप लोगों को और भी ज्यादा जो है आप रायल अप नहीं करना चाहते, तो ये भी एक रीजन है कि आपने वहां पे ऐसा कुछ किया नहीं। क्योंकि मंदिर को तोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला मुगल स्टेट के लिए भी होता था कि आपने ये काम कर दिया, मतलब लोग जो हैं उनके जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसमें तो लगेंगे, मतलब ठेस तो पहुंचेंगे। लेकिन फिर एक मैसेज भी जाएगा कि आप मुगलिया सल्तनत के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो आपके साथ ये होगा। तो ये एक स्टेट का मैसेज हमेशा से रहा है, आज भी क्या इंडिया की स्टेट वो नहीं काम कर रही है कि कोई इनके खिलाफ जा रहा है, ठीक है अब उस जमाने के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट का ऑब्जेक्टिव और उसका मोनोपोली ऑन वायलेंस वो हमेशा से ही रहा है। और मुगल पॉलिटी एक अर्ली मॉडर्न पॉलिटी थी, उसके अलग फलसफे थे, इसके बारे में कभी डिटेल में भी बात हो सकती है, लेकिन हाँ आज वक्त हमारे पास कम है तो मेरे ख्याल से एक चीज जो उभर के आती है जो आपसे पूछना जरूरी है कि हर जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो टेंपल मॉस्क जो डिस्प्यूट होता है, हर केस में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये मैं बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अयोध्या का देखिए मामला पूरी तरह से 1949 से डिस्प्यूट चला और फाइनली जाके 2019 में सुप्रीम कोर्ट के केस में जाके रिजॉल्व हुआ। मंदिर बन रहा है जो ठीक चुनाव के कुछ ही सप्ताह पहले प्रधानमंत्री शायद जाके उसका इनॉग्रेशन करेंगे उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राम मंदिर को डिलीवर कराने के लिए, जो सारा का सारा जो कुडोज है जो लोगों की जो शाबाशी है वो लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पूरे जजमेंट में ये कहा है कि मस्जिद जो है उसके नीचे कभी मंदिर तो थी लेकिन कोई ऐसा हिस्टोरिकल या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाए। अक्सर मिडिवल पीरियड में देखा जाता है कि रिसाइकलिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल बहुत आम बात थी। उसी जगह पे अयोध्या के उसी स्तूप में जहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, क्योंकि ये मामला इतना लंबे समय तक चलता रहा तो जो शुरू के जो रिपोर्ट्स थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशन किए थे ऑफ द रामायण साइट्स करके, तो उसमें ये बकायदा एविडेंस निकला था कि वहां पे जो भी टेंपल लाइक जो स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिले उनके नीचे बुद्धिस्ट स्तूप किस्म के भी एविडेंसेस मिले थे। तो ये हमेशा से होता था कि एक सिविलाइजेशन के ऊपर दूसरा सिविलाइजेशन खड़ा होता है, तोड़ के हमेशा नहीं होता है। आर्कियोलॉजी एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वेपन बन गया है, ये भी देखने को मिला है। तो एक इतिहासकार जिसको लगातार आर्कियोलॉजिस्ट पॉलिटिकली ड्रिवन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के साथ काम करना पड़ता है, आप कैसे इस जो डिबेट है कि तोड़कर मस्जिद बनाए गए इसको कैसे नेविगेट करते हैं? देखिए अब जैसे अब जो लिखा है हमें तो उन्हीं पे एतबार करना पड़ेगा, जो नहीं लिखा है उसके बारे में आप तो बस इमेजिन ही कर सकते हैं। आजकल जो हमें दिख रहा है, जो दरअसल राइट विंग की तरफ से जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, आपने अयोध्या का एग्जांपल दिया, अयोध्या में फिर क्योंकि बाबर के मेमोर्स में, बाबर नामा में इसका कोई जिक्र ही नहीं है कि उन्होंने कोई मस्जिद जो है तामीर कराई या फिर कोई ऐसा ऑर्डर भी उन्होंने दिया। अब जो नहीं है वो नहीं है। अब जो जो लोग चाह रहे थे कि राम मंदिर बने या फिर जो अपना केस बना रहे थे वो लोग अब कहते हैं कि देखिए बाबर की डायरी में से जो है कुछ पन्ने गायब हैं, मतलब अप्रैल 1528 अप्रैल और सितंबर 1528 के बीच के जो है उन महीनों के कोई स्पीचेस आपके पास नहीं है, तो शायद उन्होंने उस पर लिखा होगा। तो ये आपका इमेजिनेशन है और आजकल जो हो रहा है वो इमेजिनेशन है, मतलब इमेजिनेटिव हिस्ट्री आप लिख रहे हैं, आपने नए नए किरदार आपने पैदा कर दिए हैं। एक कोई गुर्जरी राम प्यारी चौहान भी अब पिछले दो सालों में बड़ी सुर्खियों में है, मैंने देखा कि एक हिंदी न्यूज़पेपर ने तो पूरा आधा पेज आर्टिकल भी लिख दिया है, जबकि कोई उसके हिस्टोरिकल कोई एविडेंस है ही नहीं, ना तो इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी में है, ना कि सो कॉल्ड हिंदू सोर्सेज में है, राजपूत सोर्सेज में कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर आपने वो गढ़ दिया,
अब 2 सालों तक आप आर्टिकल्स लिखेंगे, उसके बाद वो उसके 5 साल बाद फिर वो एविडेंस बनेंगे कि देखिए इन न्यूज़पेपर्स ने तो उस जमाने में लिखा हुआ है जी। तो इसी तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हिस्ट्री का। तो ये हमें जब हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी पढ़ते हैं तब हम 3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ऑथर, ऑडियंस, एजेंडा, 3 A's, कि कौन लिख रहा है, उनका ऑडियंस क्या है और उनका एजेंडा क्या है। तो ये 3 चीजें जो हैं किसी भी हिस्टोरियन के लिए, कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़ रहा है जो, उसको ये समझना बड़ा जरूरी है। मुगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा अच्छा उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा जिहाद कर दिया, ये किया वगैरह वगैरह जो भी है, आप उसको लिटरली नहीं ले सकते क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जो एक राइटर आर्ग्यू कर रहा है कि ये जहां पे रिलीजन में, दीन में क्लियरली कुछ लिखा नहीं है कि किंगशिप लीगल भी है इस्लाम में या नहीं, तो इसीलिए हर राइटर को ये दिखाना पड़ रहा था कि उनका जो बादशाह है, जो पेट्रन है उनका, वो बड़ा अच्छा मुसलमान है और जो है दीन ने जो इजाजत दी है उसी के मुताबिक उसने अपनी हुकूमत की है, ये जंग भी तो इसलिए जायज है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि ये फिलॉसफी क्या है, कि रिलीजन में है नहीं इसीलिए ये कोशिशें हो रही थी। आपने लिटरली उसको ले लिया तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा हर बार तो ये रिलीजियस आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, मतलब हर जंग जो है रिलीजियस जंग थी या रिलीजन उसका प्राइमरी फैक्टर था। तो ये हिस्टोरियन जो डिसिप्लिन से आते हैं, जो एकेडमिक हिस्टोरियन हैं, उन्हें तो ये मालूम है। हमारी बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान में कि हमारे में जो एक पब्लिक हिस्ट्री है, जो पॉपुलर हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसको दरअसल पॉपुलर हिस्ट्री भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इसको एक लेजिटिमेसी दे रहा है पॉपुलर हिस्ट्री बोल के, ये पॉपुलर हिस्ट्री नहीं है, ये मिथ्स एंड लेजेंड्स है, ये मिथ हिस्ट्रीज है। और एक है हिस्ट्री जो आप थ्रू एविडेंस आप दिखा सकते हैं, थ्रू नैरेटिव्स आप तैयार करते हैं, उसका एक डिसिप्लिन है एकेडमिक, उसके थियोरीज हैं, आप उसी हिसाब से आप देखते हैं। ये दोनों में बड़ा फर्क है जी। और अब कोई भी हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो 80s में कुछ और बोल रहे थे उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और बात बोलते हैं, और बात कर रहे हैं। कोई मुझे बोल रहा था कुछ सालों पहले, एक आर्कियोलॉजिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कहीं पे शिवा टेम्पल मिला था जी। वो 5-6 साल बाद वो विष्णु टेम्पल बन गया, अब उसको फिर कुछ सालों बाद राम मंदिर बनने में ज्यादा शायद वक्त नहीं लगेगा। तो ये पॉलिटिकल चीजें हैं और हमें ये मानना चाहिए कि आप कभी भी अगर हिस्ट्री के बारे में अगर आप बात करते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी हिस्टोरियन के लिए कि अपने प्रेजेंट से आगे बढ़ के या उससे उभर के वो हिस्ट्री लिखे, उसके अपने बायसेस होते हैं। और डिसिप्लिन में तो ये पता है लेकिन बाकियों को नहीं मालूम। अगर आप कोई आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कह दिया, अब जैसे आप देखिएगा जब ये जो हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो एक जेनेटिक रिसर्च, जब 2019 की बात है शायद, जब वो जेनेटिक रिसर्च आया सामने कि कहा गया कि अच्छा इससे जो एस्टैब्लिश हो गया कि इंडो आर्यन जो हैं वो आए थे, एक नॉर्थ सेंट्रल एशियन स्टेप से माइग्रेशन हुआ था जी। एक दो आर्कियोलॉजिस्ट उस टीम में ऐसे भी थे, उन्होंने आके अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया नहीं नहीं देखिए कोई एविडेंस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे उनका एक अपना पॉलिटिकल व्यू सामने आ रहा है। तो बाकी स्कॉलर्स ने बोला कि नहीं ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है फाइंडिंग जो हम देख रहे हैं, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, हम जो है हमारे रिसर्च के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये किसी भी हिस्टोरियन को, हिस्टोरियन क्यों, कोई भी स्कॉलर है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा है, कोई भी ऑडियंस है, कोई एवरेज रीडर है, उन सबको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि आप चीजों को लिटरली नहीं ले सकते, खास करके ऐसे एक वक्त के बारे में जिसके बारे में उनके जमाने में ही अगर डिबेट चल रहा था तो आप अभी कैसे मान लेंगे कि किसी हिस्टोरियन ने उठ के ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं इसके तो जो है हमने देखा था कि पन्ने गायब हैं, मतलब इसका मतलब उन्होंने तो लिखा होगा, इसने कुछ लिखा तो होगा जरूर, लेकिन उसके बाद में बाकी लोगों ने उसको हटा दिया जी जी। तो ये आपने संकेत किया है अभी बात करते हुए कि एक तरफ तो वो इतिहास है जो इतिहास के नाम पे जो प्रचार किया रहा है जो वाकई ऐतिहासिक तथ्यों पे बेस्ड है जी, और दूसरा इतिहास वो पॉपुलराइज किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, पॉलिटिकल भाषणों में, सोशल मीडिया में और तमाम बाकी अनऑफिशियल जो मिथ्स
को मिथक जो बातें हैं, जो झूठ है, उसको इतिहास के तौर पर पेश किया जाता है। उसी में तमाम चीजें होती हैं, जक्स्टपोजिशंस होती हैं। औरंगजेब को बुरा बादशाह, उसके कॉन्टेक्स्ट में संघ परिवार से पिछले कई सालों से दारा शिकोह को प्रमोट किया जाता है कि वो अच्छे मुसलमान थे, औरंगजेब खराब मुसलमान थे। दारा शिकोह और औरंगजेब के बात में मैं नहीं जाता, क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर है। उसको लेके किस तरह से संघ परिवार ने इंटरप्रेट किया है और वास्तविकता क्या थी, दोनों भाइयों के बीच में किस तरह की झगड़ा थी। मेरा आखिरी सवाल, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर हुआ कि औरंगजेब के फोटो को किसी ने अपना सोशल मीडिया में प्रोफाइल लगाया, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरह की बात बोली, औरंगजेब की औलाद, मतलब जैसे कि हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी है जो अपने आप को औरंगजेब के प्रोजेनीज मानते हैं और उनके खिलाफ अलग अलग किस्म के एक्शन होने चाहिए, चाहे केस होने चाहिए, जो सरकार ने ऑलरेडी केस करने शुरू कर दिए हैं। मार पिटाई भी होगी, जो विजिलेंस ग्रुप कुछ ही समय के बाद अलग अलग जगह एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं, विभत्स घटनाएं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में से सुनने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान जो है एक तरह से एक घुटन के चेंबर जैसा लगने लगा है और इसमें इतिहास का इस्तेमाल हमेशा किया जा रहा है। तो इतिहासकार के तौर पर आपको क्या लगता है, इसको क्या रिडीम करने का कोई उपाय है? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल। देखिए, अब पास्ट को आप रिडीम नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो माजी था और हाल में जो भी हुआ है, जो आज है, वो आप सुधार सकते हैं जी। तो पास्ट को आपको उसके टर्म्स, उसके शर्तों पे आपको समझना चाहिए। मैंने अभी जो आपसे बात कही कि डिबेट उनके जमाने में भी थी कि क्या उनकी हुकूमत जायज भी थी, अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, क्योंकि औरंगजेब को खुद को ये इस बारे में जो है इनसिक्योरिटी थी कि मक्का के शरीफ ने बोल दिया कि भाई आपकी हुकूमत तो नाजायज है, क्योंकि आपके वालिद जो बादशाह थे वो तो जिंदा है, आपने उनको जो है कैद कर लिया, उसके बाद कैसे कैद करके रख दिया जी, हुकूमत छीन ली। तो ये जब हुआ, इसके बाद फिर आप औरंगजेब में एक तब्दीली देखते हैं कि वो ज्यादा पायस, पब्लिकली जो है कुछ चीजें परफॉर्मेंस उनका होता है कि बहुत जो है बड़े डिवोटेड, डिवाउट किस्म के जो है वो इंसान है, जो सब शरीर नुकताए नजर से अगर हम बात करें तो सब कुछ वो कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ जो है एकदम परफेक्ट हो। फिर उनके जो कंटेम्प्रेरी थे सफ़वेद शाह, उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया, बोले कि भाई आप खुद को क्यों आलमगीर कह रहे हैं, आप काहे के आलमगीर है, आप तो पैदौरगीर हैं, माने आपकी बाप की हुकूमत आपने जो है कब्जे में की। तो जब उनके जमाने में ये सारे प्रॉब्लम्स उनके पास थे, तो आप वो उस कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को समझने के बजाय आप उसमें से एक सिंप्लिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट हिस्ट्री आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हरगिज मुमकिन नहीं है। आप एक, यहां पे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ टर्म्स जो वेस्ट से आपने सुने हैं उसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, डीकॉलोनाइजेशन। आप कह रहे हैं कि डीकॉलोनाइज करना चाहिए हिस्ट्री को। डीकॉलोनाइज करके आप क्या कर रहे हैं, जो कोलोनियल थियोरीज थे, जो पुराने घिसे पिटे, उसी को आप परपेचुएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक हिंदू पीरियड है, एक मुस्लिम पीरियड, और उसके बाद फिर जो है अंग्रेजों का पीरियड आया, आप वही फ्रेमवर्क लेकर के आप चल रहे हैं। आप जो है हमेशा, मैंने पहले भी आपके पिछले शो में भी ये शायद बात की थी, आज भी मैं इसको कहूंगा कि पास्ट की बात तभी हो रही है जब प्रेजेंट आपका खराब है और फ्यूचर के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई फेथ नहीं है कि फ्यूचर अच्छा होगा। तो आप कम से कम एक चमका के एक अच्छा पास्ट, गोल्डन पास्ट आप देने की कोशिश कर रहे हैं। उस गोल्डन पास्ट देने के चक्कर में आप जो पुरानी रवायत थी, जो एक मिली जुली तहजीब हिंदुस्तान की रही है, उसको आप उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो अगर आप करना चाह रहे हैं, आप पहली बात तो ये कि आप उसमें कामयाब होंगे नहीं, दूसरी बात ये कि उसके चक्कर में आप लोगों के दिलों में जो है जहर पैदा कर रहे हैं, एक किस्म का एक आप कॉन्फिडेंस उनका इंडियन स्टेट पे कमजोर हो रहा है। ये जो नौजवान आ रहे हैं, औरंगजेब का फोटो डाल रहे हैं, वो चाह रहे हैं, उनको पसंद है, वो अलग बात है, लेकिन ये किस्म का एक
एक मैसेज भी है कि देखो तुमने जिसको नकार दिया वो हमारे आइकॉन है जी। आप उस राह पे चले ही क्यों, आप लोगों को उस राह ले ही क्यों जा रहे हैं। बेशक उनको आइकॉन ना माने फिर भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए ये विरोध का शायद एकमात्र रास्ता बचा हुआ है क्योंकि आपने विरोध के बाकी रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल, शायद ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है और ये सोशल फिनोमिना है, इसको तो लोगों को साइंटिस्ट को पढ़ना चाहिए इसके बारे में। आई एम श्योर वो पढ़ा जा भी रहा है, स्टडी हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमें, मैंने जैसे पहले कहा कि अर्ली मॉडर्न या मिडिवल या एंशियंट जो भी है, जो भी पीरियड आपका है, उसमें राजा जो थे, जो काम उन्होंने किए, उसको आपको उस वक्त के हिसाब से आपको समझना चाहिए जी। आज आप औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या नहीं वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। औरंगजेब खुद चाह रहे थे जब उनका खात्मा हुआ, उससे पहले पहले जो वो चाह रहे थे कि उनकी जो कब्र है वो इतना सिंपल हो कि लोग उन्हें भूल जाएं, तारीख उन्हें भुला दे। लेकिन आप देखिए 300 साल से ज्यादा वक्त हो चला है उनके गुजरे हुए, फिर भी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और इंडिया का पूरा पॉलिटिक्स आजकल सिर्फ औरंगजेब, टीपू सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब राजाओं के नाम पे हो रहा है। उनके बनिस्बत फिर शिवाजी, राणा प्रताप, बाबर का इस्तेमाल खत्म हो गया। जी बिल्कुल, वहां राम मंदिर बन गया तो अब बाबर की चर्चा नहीं होती। हाँ, अब बाबर की औलाद के बजाय औरंगजेब की औलाद, अब ये नया टर्म आपने पैदा कर दिया, तो अब और औलादें आएंगी। ऐसे कितने और ऐसे फ्रेजेस हम देखेंगे आने वाले वक्त में, वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस राह चल रहे हैं वो, मैं एज अ हिस्टोरियन नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ आम हिंदुस्तानी में ये कह रहा हूँ, जिस राह पे हम चल पड़े हैं नीलांजन दा, इसका जो है इसका अंजाम पर अच्छा नहीं है। वो मंजिल जो है हम जहाँ पे पहुंचने वाले हैं वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ऐसे और भी आप फसाद देखेंगे, और भी लोग जो है पथराव होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो सारे आप प्लेटफॉर्म्स आप उनसे छीन रहे हैं, तो लोग जो है अपनी असहमति कैसे जाहिर करेंगे, इसी तरह से करेंगे। एक लाइन में औरंगजेब की जबानी में जरूर कहना चाहूंगा, जब उन्होंने अहकाम आलमगीरी में एक वाकया दर्ज है जिसमें एक शिया सुन्नी ऑफिसर बादशाह को लिखते हैं, दरअसल वो कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने जो है बड़े ओहदों पर शियाओं को रख दिया है जी, तो हम मजहब जो है आप और हम सुन्नी हैं, हमें क्यों आप नहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो औरंगजेब जो है पलट के उनको जवाब देते हैं कि ये तो बहुत गलत डिमांड है आपका। वो कहते हैं कि दीन को दुनियादारी से आप अलग रखें जी, मजहब को जो है आप स्टेट से या स्टेट वर्ल्डली मैटर्स से जो है आप उसको हटा के रखें, अलग रखें, क्योंकि कुरान में ये कहा गया है। तो फिर कुरान का एक लाइन जो है वो बताते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी बात अगर मानने लगा मैं तो फिर जो हिंदू है, राजपूत है, उन सबको हटाना पड़ेगा, और किसी इंसान को उसके मजहब के बिना पे उसके साथ फर्क करना ये गुनाह है। तो ये औरंगजेब की समझ थी 17वीं सदी में, आज हमारी समझ कुछ अलग दिख रही है। अगर औरंगजेब का एग्जाम्पल आपको देना ही है तो ये भी एग्जाम्पल्स मौजूद है, आप इनसे जो है सीख ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, धन्यवाद। इस तरह की औरंगजेब की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि फिर औरंगजेब को विलेन के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मणिमुख, हमेशा के तौर पर आपने बहुत अच्छे तरह से और बहुत ही ल्यूसिड तरीके से आपने इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को एक्सप्लेन किया, और हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा।